घनश्याम मुलानी और आप देख रहे विश्व भारती। विश्व भारती चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर से आपके साथ एक नई जानकारी के साथ आए हैं। ये कुछ ऐसी घटना है जैसे बॉलीवुड में हो या ये फूड डिलीवरी यानी खाने की जो डिलीवरी करते हैं उस क्षेत्र में काफी सारी खलबली मची हुई है। लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें, इसके पिछला जो हमारा वीडियो था कि किस तरह केंद्रीय गुप्तचर विभाग ने महाराष्ट्र के अंदर कानून व्यवस्था के जिस तरह से तार तार हुई परिस्थिति है और वहां के गृहमंत्री यानी महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस इनको किस तरह से एक्सपोज कर दिया है, इनकी किस तरह से पोल खोल दी है, इस विषय में हमारा पिछला वीडियो है। अगर आपने वो देखा नहीं तो अभी भी उसे जाकर के आप देख सकते हैं। हम इस वीडियो के एंड पेज पर उसकी एक लिंक आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो ये जो घटना जिसकी हम बात बता रहे हैं, ये पिछले 48 घंटे के बहुत बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी होती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से न सिर्फ बैन बॉलीवुड बल्कि बैन सोमेटो इस तरह का सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है। इस पर जो मेन स्ट्रीम के न्यूज मीडिया चैनल हैं वो इस पर नहीं फोकस करते, नहीं इस पर ज्यादा बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, नहीं वो इसके ऊपर कोई ज्यादा चर्चा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या मामला हुआ है, आइए पहले उसे समझने का प्रयास करते हैं। जोमेटो फूड डिलीवरी ये जो कंपनी है, इनके तरफ से एक एडवर्टाइजमेंट यानी जाहिरात ये टीवी पर या किसी लिमिटेड क्षेत्र में ये चलाई गई थी, जिसमें इन्होंने बॉलीवुड के सुपरस्टार ऋतिक रोशन को इन्होंने प्रोजेक्ट किया था। वो उस वीडियो में क्या कह रहे थे कि हमें बहुत भूख लगी थी, वो इंग्लिश में बता रहे थे और इंग्लिश में ये भी कह रहे थे कि आई ऑर्डर्ड प्लेटर फ्रॉम महाकाल। अब आप बताइए, इसके बाद जितना हिंदू समुदाय है, हिंदू समाज है, वो भड़क गया। सोशल मीडिया हो, ट्विटर हो, जो कोई सोशल मीडिया हो, फेसबुक हो, उसके ऊपर बॉयकॉट ऋतिक रोशन और बॉयकॉट इस तरह की पूरी परिस्थिति अब आ चुकी है, यानी बॉयकॉट जोमेटो। अब आप बताइए कि बॉलीवुड के आप तो इतिहास है, सलमान खान हो, शाहरुख खान हो या और आमिर खान हो या फिर महेश भट्ट हो, इनका तो ट्रेंड रहा है हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाना या उनकी इंसल्ट करना, अपमान करना। लेकिन ये अब ऋतिक रोशन एक नए उसमें जुड़ चुके हैं। अगर आपको याद होगा कि दिल्ली के एक यूनिवर्सिटी में यही बॉलीवुड की एक अभिनेत्री टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जाकर के खड़ी हुई थी, यानी सिर्फ हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना, हिंदू समाज के हिंदू फीलिंग्स का अपमान करने तक ये लोग मर्यादित नहीं है, देश द्रोही कामों में भी ये सबसे आगे रहते हैं। यानी यही खाना, उसी देश में खाना, वहीं से कमाना, वही खाना, वही बंगले बनाना, और बाहर तो करोड़ों अरबों की संपत्ति अलग, लेकिन इसी देश में रह करके इसी देश के संविधान का, इसी देश की जनता का, इस देश का जो बहुजन समाज है यानी हिंदू मेजोरिटी है, उनके देवी देवताओं का अपमान करना, कि किस हद तक भारत की जनता सहन करेगी, ये सबसे बड़ा सवाल आज जनता के सामने खड़ा हुआ है। और अगर आपको याद होगा कि एक और अभिनेत्री जिन्होंने विवाह किया और उसके बाद अपने बच्चे का नाम एक मुगल आक्रांता, मुस्लिम आक्रांता, तैगू इस तरह का नाम अपने बच्चे का रखा, यानी इसके लिए नैरेटिव के जो मुस्लिम आक्रांता जिन्होंने हिंदू देश पर, सनातन धर्म के देश पर आक्रमण किया, उनके मंदिर जलाए, उनकी औरतों के साथ बलात्कार किया, क्या ये एक प्रेसिडेंट सेट करना चाहते हैं, एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, ये सवाल आज सारे हिंदू समाज के सामने स्पष्ट रूप से आया हुआ है। इसी वजह से पूरा हिंदू समाज तो वैसे ही बॉयकॉट बॉलीवुड के नारे लगा रहा था और उस वजह से बॉलीवुड के कई सारे बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस को झटका लग चुका है। और ये जितने सुपरस्टार खुद को अमिताभ बच्चन की बराबरी में खड़े करने वाले शाहरुख खान हो, सलमान खान हो या फिर उनके ही भाई आमिर खान हो या फिर नसीरुद्दीन शाह, इस तरह के लोगों का बहिष्कार भारत में ऑलरेडी सामान्य जनता ने यानी मेजोरिटी ने कर दिया है। इसके बावजूद इनकी हिम्मत इतनी होती है, क्या सिर्फ चंद पैसों के लिए यानी जोमेटो से पैसे लेकर के ये ऋतिक रोशन या बॉलीवुड की कोई भी व्यक्ति, कोई भी अभिनेता अभिनेत्री हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने की जुर्रत करता है? ये तो बहुत ही अजीब बात है। यानी इन्हें न देश की पड़ी है, न कोई कोई मल्टीनेशनल कंपनी यानी अंतर्देशीय कंपनी जो भारत के खिलाफ या भारत के अंदर इस तरह से माहौल वातावरण गर्म करने का प्रयास करे
उसके लिए कि सीधा आगे आके खड़े हो जाते हैं, वो चाहे किसी भी धर्म के लोग हो बॉलीवुड के। यदि बॉलीवुड इसका स्तर कितना गिर चुका है ये तो स्पष्ट रूप से अब दिखाई देने लगा है, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। ऐसे माहौल ऐसे हालात के अंदर ये चंद पैसे के टुकड़ों पर यानी कागज के टुकड़ों पर बिकने वाले लोगों का भारतीय सामान्य जनता ने आम जनता ने बहिष्कार क्यों नहीं करना चाहिए, और फिर इस तरह के अंतरराष्ट्रीय यानी मल्टीनेशनल कंपनी इसकी सेवाओं का बहिष्कार क्यों नहीं करना चाहिए। वैसे तो ये जो पासोज हो स्विगी हो और कई सारी ये सेवाएं हैं इनका एक बहुत बड़ा स्कैम वैसे भी चल रहा है ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर। यानी जिस तरह से ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर के कानून भंग कर रहे हैं, इनके जो टू व्हीलर हैं उनके जो रजिस्ट्रेशन होता है पूरे लाइफ का, यानी ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन भरते हैं, इनका जो आदमी काम करता है इनका एम्प्लॉई जैसे डिलीवरी पार्टनर कहते हैं उसके नाम पर मोटरसाइकिल उपयोग में लाई जाती है, जबकि कानून और कायदा महाराष्ट्र के अंदर और कई सारे राज्यों में ये कायदा है कि जिसकी भी ये मोटरसाइकिल हो जिस पर्पज से जिस उपयोग के लिए लाई जा रही है तो उसका जो वार्षिक शुल्क होता है आरटीओ को देने का, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को, वाहतुक अधिकारियों को, उसका 7 गुना इन्होंने हर साल भरना है बिना इस तरह का कुछ क्रिया किए। यानी पूरे कानून को ताक पर रखकर देश की जनता के साथ यानी सरकार के साथ यानी देश की जनता के साथ धोखाधड़ी करके घोटाले करके उसके बाद ऊपर से हिंदू देवी देवताओं का अपमान, देश के खिलाफ इनकी गतिविधियां इनकी हरकतें ये भारतीय जनता कब तक सहन कर सकती है। आप ये सोचिए कि मैकडोनल्ड्स हो चाहे केएफसी केंटकी फ्राइड चिकन ये सब की डिलीवरी इसी तरह से गैरकानूनी रूप से चलती हैं। इनकी जो मोटरसाइकिल्स होती है टू व्हीलर होती हैं उन्होंने जो साल में 7 गुना टैक्स भरना चाहिए वो नहीं भरा जाता। प्राइवेट नाम पर पर्सनल नाम पर एम्प्लॉय के ये टू व्हीलर का उपयोग किया जाता है। यानी इस तरह की ये परिस्थिति है, कोई हद है देश के खिलाफ काम करने की, देश की संस्कृति के खिलाफ, देश के लोगों के भावना के खिलाफ, देश के संविधान के खिलाफ? क्या ऐसे परिस्थिति में भारत की सरकार ने, चाहे महाराष्ट्र की सरकार हो चाहे भारत की सरकार हो, यानी केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी ने, भारत के गृहमंत्री अमित शाह जी ने इस विषय में ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जल्द से जल्द करनी चाहिए या नहीं, इस विषय में आपकी क्या राय है ये तो आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। साथ ही साथ आपको जानकारी कैसी लगी ये भी जरूर नीचे कमेंट करके हमें आप बताएं, और अगर आपको ये सारी जानकारियां अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि भारत की सारी जनता इन सच्चाइयों को पूरी तरह से जान सके। ये आप ही का विश्व भारती चैनल है, इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस प्रकार की सारी जानकारियां जल्द से जल्द प्राप्त होती रहे। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।